भगवान हनुमान पर हो रही बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच हाथरस में अब भगवान हनुमान का जाति सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवेदन किया गया है। सरवण पिछड़ा एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को हनुमान का जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया है। आवेदन में हनुमान के पिता का नाम केसरी महाजन और माता का नाम अंजनी बताया गया है, जबकि भगवान हनुमान की उनकी जाति क्षत्रिय बताई गई है। हम लोगों ने तहसीलदार सिकंदराव को हनुमान जी की जाति प्रमाण पत्र करने के लिए आवेदन दिया है, जिससे कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था कि हनुमान जी दलित हैं। उसी के बाद भूपाल नवाब ने बयान दिया हनुमान जी मुसलमान हैं। जाट समाज के मंत्री जी ने बयान दिया कि हनुमान जी जाट हैं। आखिर हनुमान जी की जाति क्या है, ये स्पष्ट करने के लिए हम लोगों ने आज तहसीलदार सिकंदराव को हमने ज्ञापन दिया है, आवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी जाति प्रमाण पत्र जारी कर पूरे प्रदेश में, देश में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं जाति को लेकर हनुमान जी की, वो जाति भ्रांतियां स्पष्ट हो सके। वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि सिर्फ लोगों का ही जाति प्रमाण पत्र बनता है। लोगों ने हनुमान जी के लिए जाति प्रमाण पत्र का दिया है, तो कैसे बनता है सब जाति प्रमाण पत्र, हनुमान जी का कैसे बनेगा? सबको मालूम है जो निवासी होता है उसी का बनता, जहाँ निवासी है उसी से बनता है। तो हनुमान जी यहाँ के हाथरस के निवासी थे या नहीं? आप अच्छी तरह जानते हैं निवासी थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान भगवान हनुमान की जाति को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। ऐसे में हनुमान जी की जाति सर्टिफिकेट आने के बाद नेताओं का क्या रिएक्शन आता है? हाथरस से सूरज मौर्य की रिपोर्ट।